स्वागत है इस वीडियो में आपका। क्या समंदर के बिना मछली के वजूद की कल्पना की जा सकती है? क्या पानी के बिना मछली रह सकती है? क्या परमात्मा के बिना आत्मा के वजूद की कल्पना कोई कर सकता है? नहीं ना। तू दरियाओ मेरा दाना बिना मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है तुझसे निकसी फूट मरा। संत निरंकारी मिशन का मतलब है इस समूचे संसार को निरंकार का सहज ही पता बता देने वाला मिशन। और दास नरेश और निरंकारी इस मिशन से जुड़ा है। थोड़ा सा इस मिशन को जानने का प्रयास किया है। इस परमात्मा में दास का वजूद है, दास इस परमात्मा के कारण है, निरंकार के कारण है। तो क्या ऐसे मिशन को दास कभी छोड़ सकता है? सही कहूं तो कोई भी इस निरंकार को छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इससे बाहर कोई दुनिया है ही नहीं। तो उपेंद्र मिस्त्री जी, मैं यानी नरेश नाम का आत्मा जो इस शरीर में रहता है, वो कभी भी इस निरंकार को, इस मिशन को छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि छोड़ा तो उसे जाता है ना जिसे पकड़ रखा हो। और मैंने इसे पकड़ नहीं रखा, ये बसा हुआ है इस जिस्म के रोम रोम में, रोम रोम में। प्यारी सत्संग जी, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये उपेंद्र मिस्त्री कौन हैं? इनके बारे में हम आपसे अभी बात करेंगे। पहले हम आपके चरणों में ये बात रखना चाहते हैं कि पिछले कुछ समय से हमने अपने नाम को छोटा कर लिया है। नरेश चौहान निरंकारी के स्थान पर अब हम केवल नरेश ही लिखते और बोलते हैं। और जैसा कि वीडियो के आखिर में पहले हम कहते थे, आप सभी को प्यार भाई नमस्कार और धन निरंकार, ये दोनों चेंजेस, यानी पहले नाम को छोटा करना और अब ये आखिरी वाला संबोधन, ये दोनों हमने आप में से कुछ महात्माओं के कमेंट के आधार पर ही किए हैं। अब ये उपेंद्र मिस्त्री, इनका ये कमेंट देखिए। ये चैनल यही है सच के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और ये लगातार वीडियोस देखते हैं, और इस चीज़ को भी इन्होंने नोट किया है और इसीलिए पूछा है कि क्या मैंने संत निरंकारी मिशन छोड़ दिया है। तो जवाब तो पहले दे ही चुका हूं, अब इस पर कुछ और एक्सप्लेन आपके चरण में करना है। उनकी आशंका वाजिब है, क्योंकि आपने भी देखा होगा, उन्होंने भी देखा होगा और हम भी देखते हैं कि तमाम लोग ऐसे हैं जो बरसों बरस तक इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके मिशन में रहते हैं और फिर एकाएक ही मिशन को छोड़ देते हैं। वो मिशन को नहीं छोड़ते, याद रखना, मिशन को कोई नहीं छोड़ता। उनकी एक्टिविटीज कुछ ऐसी हो जाती हैं, उनका सामाजिक परिवेश कुछ ऐसा हो जाता है कि ये निरंकार खुद ब खुद उन्हें छोड़ देता है। उनके मन के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं जिस कारण निरंकार को उनका त्याग करना ही पड़ता है। और तुझे पाके भुला दे जो इंसान वो किधर जाए, जो इसे पाके भुला देता है, भूल जाता है, बल्कि ये निरंकार जिसे भुला देता है, जिसे छोड़ देता है, वो कहाँ जाए? कहीं भी ठिकाना नहीं है उसका, कहीं भी ठौर नहीं है उसका। तीन लोक, बल्कि कहीं भी, किसी भी लोक में, किसी भी जन्म में उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। वो लक्ष 84 योनियों में अनंत वर्षों तक यूं ही भटकता रहता है। और दास तो परिवार सहित प्रतिदिन सवेरे और शाम इनसे यही प्रार्थना करता है कि हे निरंकार, चाहे कितने भी जाने अनजाने में दास से और इस परिवार से गलती हो जाए, आप हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखना। तो कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि अनंत जन्म काटने के बाद में ये वाला नरेश का शरीर मिला इस आत्मा को, और अब जब ये धाम निकट है, ये मुक्ति धाम सामने है, ये मोक्ष सामने है, तो इसे कैसे विसार दूं? विसार ही नहीं सकता, क्योंकि जह जह देखा तह तह तू हां तुझसे निकसी फूट मरा। तू हर जगह है, कहां जाऊं? मैं तो खाता भी इसी में हूँ, पीता भी इसी में हूँ, चलता इसी में हूँ, फिरता इसी में हूँ, सोता इसी में हूँ, जागता इसी में हूँ, नहाता इसी में हूँ, हर काम इसी में होता है, इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। तो आखिर इसे छोड़ के जाएंगे कहाँ? नहीं जा सकते। जो कहते हैं ना कि हमने मिशन को छोड़ दिया, बड़े बदनसीब हैं। मिशन ने उनको छोड़ दिया, निरंकार ने उनको छोड़ दिया, तीन लोक अब उनके लिए कहीं भी ठिकाना नहीं है।
तो चलिए एक बार फिर से आपके आदेश की तरफ चलते हैं। आपके आदेश की अवहेलना तो की ही नहीं जा सकती, महात्मा रमेश कुमार जी ने भी आदेश किया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।